ये सामने लाल टोकरिया देखा था, बहू रानी लाल टोकर देखा था, इस मिक्स जूस में से मोजे के पेयर को अलग करना है। देखा पूरा मोजवा ना गिरा है, ऐसे ढूंढने जैसे तू खरीदारी करने आई हुई यार। ये भगवान एक भी नहीं मिल रहा है, अरे खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। भैया अगर ऐसा स्पीड रहे तो भैया तो संडे को भी स्कूल चले जाए। बिग मैजिक के तमाम दर्शकों को प्रियेश सिन्हा का बहुत बहुत नमस्कार है और स्वागत करता हूं मैं आपका आपके पसंदीदा शो में जिसे आप कहते हैं बिग मैम साहब सीजन 6। दोस्तों हम अपने जिंदगी के सारे तकाजों को पूरा करते हैं, हम सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जागते हैं, सोते हैं, रोते हैं, तो हमें एक और तकाजा है जो पूरा करना चाहिए। हमें हर उस चीज को रेस्पेक्ट देना चाहिए, उसे रेस्पॉन्स देना चाहिए, उसे दिल में बैठाना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसे आदर देना चाहिए जो इसके काबिल है। हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनके आशीर्वाद के बदौलत हम एक कामयाब इंसान बनते हैं। हमें अपने बच्चों का रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वही कल का भविष्य है जो आपका और अपना नाम रोशन करेंगे। और हमें अपने उस मेम साहब का जिसकी वजह से पूरी दुनिया है आपकी, जो आपके घर की लक्ष्मी है, उनका पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए और जब भी मौका मिले उनके प्रशंसा में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही चार खुश नसीब मेम साहबों के साथ आज के सेमीफाइनल को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फैजाबाद शहर में खड़ा हूँ, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। मेरे दाएं तरफ हैं रविंदर कौर और उनकी ठीक बगल में है रेखा सिंह। मेरे बाएं तरफ हैं सिमी भाटिया और सिमी जी के बगल में है पूजा जायसवाल। इंसान भूल जाता है कि जिंदगी सिर्फ चार दिनों की है और ये चार दिन कब पूरे हो जाएं शायद किसी को पता नहीं। और कहा भी गया है कि जिंदगी के हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे जिंदगी का वो आखिरी दिन, यानी पूरे जिंदा दिली के साथ। मैं आप सभी से उस जिंदा दिल इंसान को मिलवाना चाहूंगा, प्रभा मिश्रा जी। 17 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मुझे ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया गया, उन्होंने कहा कि बहुत कम समय है। डॉक्टर ने बताया ऐसी जगह पर मुझे ट्यूमर है कि जहाँ पर ऑपरेशन या उसके साथ छेड़छाड़ करने पर मुझे पैरालिसिस हो सकता है या ऑन द स्पॉट मेरी डेथ हो सकती है। जो जिंदगी है उसको खुल के जीना चाहिए। मौत तो आनी है, आज मुझे आ रही है, हो सकता है मुझे पता है कि मेरी मौत आ रही है। जितनी जिंदगी है उसको खुल के और खुशी से प्यार बांट के जिए। प्रभा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंक्स कहूँगा कि आप यहाँ आई हैं। थैंक यू। और कैसा लगता है आपको हमारा ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगता है और बहुत मन से देखती हूँ। दिव्यांग जी कम ही है। शादी से पहले ही जो है इनको ये परेशानी थी, लेकिन मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टरों के आदेशानुसार जो है कोई समय नहीं निर्धारित कि कब क्या हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे कोई गम नहीं है क्योंकि विश्वास से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं अपनी मम्मा के लिए सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी मम्मा मिली। प्रभा जी को हम सम्मानित करना चाहते हैं उस ताज से जिस ताज के लिए ये कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये मेम साहब नहीं बिग मेम साहब हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ये ताज खुद अपने हाथों से प्रभा जी को पहनाएं। औरत की हिम्मत टूट जाती है तो पूरे परिवार की हिम्मत टूट जाती है। अपनी हिम्मत मत टूटने दीजिए, अगर आप अपनी हिम्मत नहीं टूटने देंगी तो कभी कुछ नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूं और सबसे बड़ी बात कि आप यहां तक पहुंची हैं और आगे आप लोग पहुंचे, इसके लिए आप लोगों के सामने आज का पहला सेगमेंट रखता हूं जिसमें आपने जवाब देने हैं मेरे सवालों का। खेलते हैं सवाल जवाब। सबसे पहले रविंदर कौर जी आपसे, नीम के दातुन से दांत साफ करने से क्या होता है? दांतों के रोग नहीं होते हैं। गंगा की उत्पत्ति किस भगवान की जटा से हुआ है? शंकर भगवान जी की। बिल्कुल सही जवाब। पहला सवाल है देखा जी आपसे, पेट दर्द करने पर आम तौर पर घर में क्या उपयोग करते हैं? पेट में दर्द होता है तो हम लोग पेट की बॉडी में उस थोड़ा सा हींग घोल करके लगा देते हैं और कच्चा पक्का हींग पिला देते हैं। हाँ। तमिल किस राज्य की राज्य भाषा है? तमिलनाडु।
तीसरा सवाल है आपसे, माँ सरस्वती के हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र होता है? वीणा वाद्य। बिल्कुल सही जवाब, ऐसे ही जवाब देना था आपको। और मेरे बाएं तरफ में है सिमी जी, आटे में क्या मिलाने से रोटी बेलते समय आटा चकले या बेलन में नहीं चिपकता? तेल डाल सकते हैं। और अगर घर में तेल ना हो तो हम बाहर से मंगवा लेंगे भाई। बिल्कुल सही जवाब। पुराने समय में लिखने के लिए किस पक्षी के पंख का उपयोग होता था? कबूतर का भी और मोर का भी। आप रहती तो आप किसका इस्तेमाल करती? मोर का। जया बच्चन किस अभिनेता की मेम साहब है? अमिताभ बच्चन। ए, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। पहला सवाल है पूजा जी आपसे कि जाड़े के दिनों में ओठ के सूखने पर आमतौर पर कौन सी घरेलू चीज का उपयोग करते हैं? या मलाई लगा के। कौन सा रंग खतरे का चिन्ह होता है? लाल रंग। आपके भाई के बेटे की माँ आपकी क्या लगेंगी? भाभी। सही जवाब है जी। फॉर जीनियस बनाया है सिर्फ आपके लिए। देखे, आप गुस्सा करें, आप प्यार करें, आप अपने बारे में सोचें, आप समाज के बारे में सोचें, आप महिलाओं के बारे में सोचें, और इन तमाम सोच के साथ ही जिंदगी को एक कंप्लीट पैकेज के रूप में हम मान सकते हैं, देख सकते हैं। उसी तरह से हमारा ये शो भी है, जहां आपको अपने टैलेंट को भी दिखाना है और साथ ही साथ अपने किस्मत को भी आजमाना है। और किस्मत आजमाइश के इस राउंड को हमने नाम दिया है भाग्यवान। चम्मच अपने दांतों के बीच में फंसाना है, उस पर एक गेंद रखनी है और यहाँ से कैटवॉक करते हुए वहाँ तक जाना है, और उस कटोरे में जिसमें थोड़ी सी पानी रखी हुई है उसमें वो गेंद को ड्रॉप कर देना है। सिमी जी, लाल रंग खतरे का निशान, स्वागत करते हैं आपका। एक मिनट का समय सिमी जी के लिए स्टार्ट। चले, ये उठाया आपने, कैटवॉक करते हुए जाना है प्रॉपर, ठुमक ठुमक कर। आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि बिग मेम साहब के मंच पर हम कोई इस तरह का सेगमेंट आपसे खिलवाएंगे। जाना आपने मॉडल की तरह है, आना आपको BST बस की तरह है। फटाफट 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 फटाफट। हाँ, अच्छा। सिमी जी ने तीसरा गेंद उठाया और ये उठा लिया है और बढ़ चली हैं पानी की ओर चमकते हुए। भैया भी टीवी देख रहे होंगे और अचानक से अगर देखा होगा अभी तो समझ नहीं पा रहे होंगे कि हो क्या रहा है, कौन सा गेम है ये, कैसे खेल रहे हैं ये। थुमकते थुमकते रविंदर जी, आपने भी ये करना है, हालांकि आप लेक्चरार हैं लेकिन आपने भी ये करना है क्योंकि आप मेम साहब भी हैं। चले, और समय समाप्त होता है। और अब मैं इस गेम को खेलने के लिए बुलाना चाहूंगा पूजा जी आपको। रेडी, 1 2 3। ये आपने उठाया और पहुंचे आप नदी के मुहाने पर, कैटवॉक भी करते हुए जाना है, मेम साहब ने हर काम करना है, सामान की डिलीवरी भी हो रही है, गेंद वहां पहुंच भी रहा है, कैटवॉक भी हो रहा है ठुमकते हुए। आहा ओहो, फटाफट भाग के आए, उठा ले उठा ले, बस उठा ले आप। ये क्या कर रही है, तीसरा गेंद उठाएं। यस, अब आप पहुंचे ठुमकते हुए जाएं, अंदाज में जाएं, एक मॉडल की तरह जाएं, कैटवॉक की तरह जाएं, ऐसा ना लगे कोई आप रोगी के बिस्तर से उठ के जा रही हूँ, ऐसा ना लगे, मॉडल की तरह जाएं आप। मॉडल को देखा होगा रविंद्र जी आपने चलते हुए, देखा रखा जी आपने, कैसे चलती हैं वो, वैसे जाना है आपने, आपको मॉडल से कम नहीं आज इस स्टेज पर, इस स्टेज पे जो पहुंचा है आज वो मॉडल है। पहुंचे पहुंचे पहुंचे, फटाफट पहुंच ही जाएं। अगले कंटेस्टेंट को जो कि रविंदर जी हैं, प्लीज वेलकम। उठाया आपने, अब पहुंचे हुए, जैसे मैंने समझाया था आप बिल्कुल लेक्चरार जैसा जा रही हैं, बच्चे उठ के चले जाएंगे। आए, फटाफट दूसरा गेंद उठाएं,
बस पहुंचे एकदम मॉडल की तरह जाना कि बच्चे भी देखे तो बोले अरे वाह हमारी मैम वॉक भी करती हैं वो भी इस अंदाज में। रविंद्र जी ने तीसरा गेंद उठाया, दो उठा के ले जाएंगे आप वॉक के नाम पे आप बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आप खाना खाने के बाद जो टहलते हैं वो ऐसा टहल रही हैं आप रविंद्र जी। ये चौथा गेंद आपने उठाया, वॉक करते हुए आप जा रही हैं और बस पहुँच गई। ये पांचवा गेंद उठाने आ पाई हैं, आपने उठाया, समय भी भाग रहा बड़ा तेजी से और ये मॉडल बड़ा फास्ट हो गया है, इसकी स्पीड बढ़ गई है इस मॉडल की। समय है 3 सेकेंड 2 सेकेंड और ये मॉडल रुक नहीं रही है जबकि समय समाप्त हो चुका है। रेखा जी को हम बुलाते हैं। 1 2 एंड गो। उठा ले पहुंचे आप मॉडल की तरह, जाएं आपको सेठानी की तरह ना जाएं, मॉडल की तरह जाना है आपने। वॉक करें फिर से आप वैसे जा रहे हैं जैसे कोई चोर पकड़ा गया आप उसको डांटने जा रही हैं। थानेदार की तरह आप गई, इस बार सेठानी हो गया थानेदार हो गया, अभी देखते हैं आप कैसे जाते हैं। तीसरा गेंद आपने उठाया, ये आप जा रही हैं एक मड़वाड़ी सेठानी की तरह, फिर से सेठानी वाला वॉक। तीसरा उठा लें आप, उठाने में देर ना करें, पहुंचे। ये किस किस्म का वॉक है ये, आपने अपने घर में किसी को चोरी करते पकड़ा है आपने। ये पांचवा गेंद आपने उठाया और जा रही हैं, आपकी स्पीड बड़ी अच्छी है और जिस अंदाज से आप फिर वहां जा रही हैं आपको अपने घर के सभी लोगों के ऊपर शंका है ये कहां गए थे कहां से आ रहे हैं पूछताछ करने जा रही हैं। समय समाप्त हो गया, बस रेखा जी एक सवाल का जवाब दे मुझे, बच्चे देश का भविष्य है ये बात सच है तो फिर सरकार इस भविष्य के इजाफे को लेकर क्यों परेशान है मुझे बताएं, मैं लेता हूं तब तक एक छोटा सा और ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। इस बात के लिए आप खुश हैं पूजा जी? खुश है। खुश कैसे बता रही हैं आप? ये बात आपने याद रखनी है, अपने पड़ोसियों को भी बतानी है, आपके बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें भी याद दिलानी है। आइए खेलते हैं ठुमका लगाई के। तो आइए ठुमका लगाई के की शुरुआत हम करते हैं और आगाज हम करेंगे सबसे पहले पूजा जी आप ही से। रविंदर जी ने इस पर क्या नंबर दिया? 7। रेखा जी आपने कितने नंबर दिए हैं? 8। सिमी जी आपने दिया है 9 नंबर। पूजा जी की परफॉर्मेंस हो चुकी है, ठुमका लगाई के लिए बेकरार हैं अगली कंटेस्टेंट जो कि रेखा जी होंगी। सिमी जी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपने क्या नंबर दिया है? 8 नंबर। आप बताइए पूजा जी, 8 नंबर पूजा जी ने भी आपको दिया है। रविंदर जी आपने कितना नंबर दिए हैं? 7। अगली कंटेस्टेंट मेम साहब हैं। सिमी जी पूजा जी आपसे जानना चाहूंगा, रविंदर जी 8 मार्क बगल में है, रेखा जी आपने रविंदर जी परफॉर्म करना है, वेलकम करते हैं रविंदर जी।
सिमी जी, नहीं पूजा जी, रेखा जी। और अब दोस्तों इन चार मेम साहबों के बीच में जो जंग आपने देखा पिछले आधे घंटे से बैठ के आप एंजॉय ले रहे थे, और अब आपको मैं रिजल्ट बताऊंगा। सबसे पहले सिमी जी, सवाल जवाब में इन्होंने 30 अंक बनाए, लेकिन जब गेम हम लोगों ने खेला भाग्यवान वहां पे आपने 9 नंबर स्कोर किया और आपका कुल स्कोर है 80 अंक। पूजा जी आपने भी 30 नंबर बटोरे, बिल्कुल यही नंबर आपने फिर से बटोरा भाग्यवान में जो आपके पड़ोसी ने बटोरा था, 9 नंबर आपने बनाए एक बार फिर से आपके। और जब तीसरा राउंड हमने स्टार्ट किया भाग्यवान के बाद ठुमका लगाई के, तो आपके साथियों ने आपको नंबर दिया है 24, मैंने आपको नंबर दिया है 15, और आपका कुल स्कोर होता है 78 अंक। रेखा जी आपने भी 30 नंबर से स्टार्ट किया, जब आप आगे बढ़ी तो भाग्यवान में 1 नंबर का फासला था, 8 नंबर आपने बनाए, वरना आप लोग बिल्कुल तीनों नंबर मैच कर जाते, टैली हो जाते। आगे बढ़े, जब राउंड हमारा आया ठुमका लगाई के, आपके साथियों ने आपको नंबर दिया 22, कोई कटौती नहीं, 22 नंबर दिया, मैंने आपको नंबर दिया 13, और आपका कुल स्कोर होता है 73 अंक। रविंदर जी आपका नंबर बताता हूं, सवाल जवाब 30 अंक, भाग्यवान 8 अंक, 1 अंक से पीछे। ठुमका लगाई के में आपको आपके साथियों ने अधिक नंबर दिया है, 28 नंबर दे डाला, और मैंने आपको दिया है 17 नंबर, आपका कुल स्कोर होता है 83 नंबर। यानी कि रविंदर जी सिटी फिनाले खेल रही हैं। पहले तो अपनी फैमिली को थैंक यू बोलूंगी, अपने हस्बैंड को जिनके सपोर्ट से ही मैं ऑडिशन देने आई और यहाँ आई, और पूरे फैमिली को ही थैंक यू। फिर फ्रेंड्स का थैंक यू जिनके स्कोरिंग ने मुझे आगे बढ़ाया, बिग मैजिक का, आपका जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, उत्साहवर्धन किया, जिसकी वजह से आज मैं इस स्टेज तक आई। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बिल्कुल ये सपोर्ट, ये प्यार हमेशा बना के रखना चाहिए, और बल्कि मैं ये आप लोगों से कहूँगा कि इंसान के जो है ना प्यार दिल में होना चाहिए लफ्ज़ों में नहीं, और गुस्सा लफ्ज़ों में होना चाहिए दिल में नहीं। अपने दोस्त प्रिय सिन्हा को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूंगा आपसे सिटी फिनाले में, फैजाबाद की 4 टक्कर होंगी मेम साहबों के बीच में, जो कि अपने अपने एपिसोड में विनर रह चुकी हैं, और उनमें से होंगी एक सिटी मेम साहब।